Hey guys, कैसे हैं आप लोग? So, आज का लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली डिटेल में माइनर सेवंथ कॉर्ड के बारे में। अगर आप लोगों को जानना हो मेजर सेवंथ कॉर्ड के बारे में डिटेल में तो यहाँ पे एक लिंक पॉपअप हो रहा है, उसमें क्लिक मार के आप लोग वाला वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ माइनर देखना तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए। सो आज के लेसन में आप लोगों को माइनर के बारे में डिटेल में बताऊंगा हर वो चीज जो आप लोगों को जाननी चाहिए माइनर सेवंथ कॉर्ड के बारे में। कुछ शेप्स बताऊंगा जो कि मूवेबल होंगे और आप लोग यूज कर पाएंगे उन्हें ऑल ओवर फ्रेट बोर्ड। सो ये जो मैं आप लोगों को कॉर्ड्स बता रहा हूँ मेजर सेवंथ, माइनर सेवंथ, डोमिनेंट सेवंथ, जो मैं अभी आप लोगों को अगले लेसन में बताऊंगा और उसके अगले लेसन में मैं आप लोगों को बताऊंगा माइनर सेवंथ फ्लैट फाइव, तो मैं सारे ऐसी कॉर्ड्स क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जो नॉर्मल कॉर्ड प्रोग्रेशन हैं जो कि मेजर माइनर वाले प्रोग्रेशन हैं जैसे ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ये जो प्रोग्रेशन है इसमें हम लोग सेवंथ के कॉर्ड्स कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे ऐड करें, ये सीखने के लिए, ये सिखाने के लिए मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो इन लेसन को ढंग से देखना बिकॉज आगे चल के हम लोग प्रोग्रेशन बनाएंगे सेवंथ कॉर्ड के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं अगर हम लोग उन्हें अगर कंपेयर करें मेजर माइनर प्रोग्रेशन के साथ। तो अगर आप लोगों को वो सब सीखना है तो इन वीडियोज़ को ढंग से देखना और आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो लेसन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं मार तो प्लीज़ सब्सक्राइब मार दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे लेसन रेगुलर बेसिस पर लाते रहता हूँ। ऐसे थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में और किसी चैनल में नहीं मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस चाहिए वो भी बहुत सारी, वो भी रेगुलर बेसिस पे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं। प्लस मेरा एक फाउंडेशनल कोर्स है जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक ऐसे गिटारिस्ट हैं जिसको हल्का फुल्का गिटार बजाना आता है बट आप वो ग्रो नहीं कर पा रहा बिकॉज उसे पता नहीं क्या करना है, तो वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। मैंने वहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बिगनिंग से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप 46 लेसन कराए हैं अभी तक, आगे मैं आप लोगों को कराते रहूंगा और उन 46 लेसन तक हम लोग इंटरमीडिएट से हल्का सा ऊपर तक पहुंच चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वो ज्वाइन करना हो तो सब्सक्राइब बटन के जस्ट साइड में ज्वाइन बटन, आप उसमें क्लिक मार के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप लोगों को देखना वहाँ पर कैसी वीडियोज अपलोड हो रही है तो आप लोग जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, पेड मेंबर्स वीडियोज में आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और 199 पर मंथ का कोर्स है, बहुत वर्थ है और आगे की बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आप लोगों का वेट करिए। सो अगर ज्वाइन करना हो तो क्लिक ऑन ज्वाइन बटन। लेसन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में जो है माइनर सेवंथ कॉर्ड। तो हर चीज हम लोग की फ्रेटबोर्ड में होने वाली है तो हम लोग वापस से क्लोजअप लुक में आएंगे। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं गिटार फ्रेटबोर्ड के क्लोजअप लुक में। सो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं माइनर सेवंथ कॉर्ड के बारे में। तो जैसे कि पिछले वाले लेसन में हम लोगों ने करा था, हम लोगों ने पहले जाना था थ्योरेटिकली, फिर हम लोगों ने बात की थी प्रैक्टिकली, आज भी हम लोग बिल्कुल सेम करेंगे बिकॉज अगर आप लोगों को किसी चीज़ की थ्योरी आती है तो उसे प्रैक्टिकली प्ले करना और लर्न करना बहुत आसान हो जाता है। तो पहले थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकली बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर माइनर स्केल प्ले कर रहे हैं, ए माइनर स्केल, जो कि होप करता हूँ आप सभी को आता होगा। नहीं आता हो तो प्लीज़ लर्न कर लो और यहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो माइनर स्केल जो हम प्ले कर रहे हैं इसमें आप लोगों के 7 नोट्स होते हैं। अगर हम लोग ऑक्टेव को काउंट करें सारे गामा पदनी और सा वापस रिपीट हो जाता है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जब हम लोग फर्स्ट नोट, थर्ड नोट और फिफ्थ नोट माइनर स्केल के, जिसे हम लोग रूट नोट, माइनर थर्ड और परफेक्ट फिफ्थ भी कहते हैं, ये 3 नोट्स लेके जब हम लोग अलग अलग स्ट्रिंग्स में प्ले करते हैं तो हम लोग को हमारा माइनर कॉर्ड मिलता है। ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो अभी इस बात को नोट डाउन कर लें कि माइनर कॉर्ड आप लोगों का 3 नोट से बनता है, रूट नोट, माइनर थर्ड और परफेक्ट फिफ्थ। तो इन 3 नोट्स को जब हम लोग प्ले करते हैं एक साथ अलग अलग स्ट्रिंग्स में, अलग अलग स्ट्रिंग्स में हम लोग इन्हें ढूंढते हैं तो तब हम लोगों का माइनर कॉर्ड बनता है और इन तीनों के अलावा कोई भी नोट बाहर से नहीं होता। जो सेवंथ कॉर्ड होता है इसमें आप लोगों का कोई चीज़ डिफरेंस नहीं होता, माइनर और सेवंथ में कोई चीज़ डिफरेंस नहीं होता, बस एक चीज़ ऐड हो जाती है। जो माइनर सेवंथ कॉर्ड होता है इसमें आप लोगों को नाम ही से पता चला होगा सेवंथ, तो उसमें जो माइनर का सेवंथ नोट होता है वो ऐड हो जाता है, बस इतना सा है, ठीक है। तो अगर आप लोग जैसे सारे गामा पदनी सा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नोट अगर आप लोग फर्स्ट नोट, थर्ड नोट, फिफ्थ नोट के साथ एक सेवंथ नोट भी लगा देते हैं तो आप लोगों का माइनर सेवंथ कॉर्ड मिल जाएगा। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं जैसे कि ए माइनर कॉर्ड, इसमें सेवंथ नोट कहां पर होगा वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा, बट सेवंथ नोट को ढूंढने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो ऑक्टेव नोट है, एक तो होता है रूट नोट जो कि सबसे पहला नोट होता है, उसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट सा आता है या उसका नेक्स्ट सा आता है उसको अगर हम लोग सेवंथ नोट में कन्वर्ट कर ले तो हमारे लिए आसान रहता है। जैसे कि यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अगर हम लोग वापस से स्केल प्ले करें सारे गामा पदनी सा, तो जो सा है उसको नी बनाने के लिए बस हमें 2 फ्रेट पीछे करना है। अगर हम लोग ये कर लेते हैं तो हम लोगों को हमारा सेवंथ नोट मिल जाएगा और अगर हम लोग उस नोट को प्ले कर लेते हैं कॉर्ड में तो हमारे को हमारा सेवंथ कॉर्ड भी मिल जाएगा। तो जो हमारा ये शेप है इसमें हमारा ऑक्टेव कहाँ पर आ रहा है उसे बस हमें 2 नोट पीछे करना है। तो जैसे कि रूट नोट ये हम लोग ढूंढते हैं कि ऑक्टेव नोट कहाँ पर आ रहा है तो हम लोग प्ले करेंगे सारे गामा पदनी सा, तो ये जो सा है ऑक्टेव नोट है बस हमें इस नोट को 2 पीछे करना है 1 2, तो हमारे को हमारा सेवंथ कॉर्ड मिल जाएगा। तो जब हम लोग माइनर कॉर्ड प्ले करते हैं तो भी ये नोट आता है, बस इस नोट को हमें ये नोट बना देना है। तो बेसिकली अगर हम लोगों को ये नोट बनाना है तो हम लोगों को बस इस फिंगर को हटा देना बिकॉज यहाँ पर तो बार और रखा आगे तो सारे नोट प्रेस हो ही रखे हैं उस फ्रेट के, तो
तो बस हमें इस वाली फिंगर को हटा देना जो हमने पिंकी लगा रही थी, इसे अगर हम हटा दें तो हमारा सेवंथ कॉर्ड बन जाता है। तो ये हमारा सबसे पहला शेप है माइनर सेवंथ का। अब इस शेप के बारे में मैं आप लोगों को आगे चल के थ्योरेटिकली तो बात हो ही गई हमारी, अब जब हम प्रैक्टिकल बात करेंगे तो इसके बारे में मैं आप लोगों से और बात करूंगा। बट फॉर नाउ आप लोगों को इतना समझ आ चुका होगा थ्योरेटिकली कि आप लोगों को जो सेवंथ कॉर्ड होता है इसमें बस आप लोगों को माइनर के साथ एक सेवंथ नोट ऐड हो जाता है, और उसे ऐड करने का तरीका क्या है, आप लोगों को बस ऑक्टेव नोट को दो पीछे कर देना है। तो ऑक्टेव नोट पर ध्यान देना आप लोगों को, ऑक्टेव नोट को दो पीछे कर दोगे तो आप लोगों का जो सेवंथ कॉर्ड है वो बन जाएगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट शेप जो हम लोग स्टार्टिंग में लर्न करते हैं सबसे, ए माइनर। तो ए माइनर कॉर्ड को अगर हमें ए माइनर सेवंथ बनाना है यहाँ पे इस शेप में जो कि ए वाला शेप होता है, तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, हम लोगों को बस ऑक्टेव को दो पीछे करना है। तो ऑक्टेव ढूंढते हैं, ऑक्टेव ढूंढने के लिए पहले आप लोगों को रूट ढूंढना पड़ेगा। तो रूट जो ए माइनर का होता है वो ये होता है फिफ्थ स्ट्रिंग, बस फिफ्थ स्ट्रिंग एक ए नोट होता है, तो इसका हमें बस ऑक्टेव ढूंढना है। तो इसका ऑक्टेव ढूंढने के लिए हम लोग प्ले करेंगे सारे सारे गामा पधा नी सा। तो ये जो सा आया, जो ऑक्टेव आया, आप लोग देख सकते हैं दोनों ही ए नोट है, इसको बस हमें दो पीछे करना है, एक पीछे करा और दूसरा पीछे, पीछे कोई फ्रेट नहीं तो हम इसे ओपन कर देंगे। तो ये दो पीछे हो गया। तो अगर हम लोग कॉर्ड देखें तो क्या ये नोट कॉर्ड में आता है, हाँ आता है, बस हमें इसको ओपन कर देना है। अगर हम इसे ओपन कर देते हैं तो हमारा सेवंथ कॉर्ड बन जाता है। तो सिंपल सा थ्योरी है, सिंपल सा प्रैक्टिकल है कि बस आप लोगों को ऑक्टिव नोट को दो पीछे कर देना, आप लोगों का सेवंथ कॉर्ड हो जाएगा, चाहे आप लोग किसी भी कॉर्ड के साथ ट्राई मारें आगे चल के, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ए सेवंथ कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड्स मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ सारे मूवेबल होंगे, मतलब आप लोग इन्हें मूव कर सकते हैं फ्रेड में आगे को। अब अगर आप लोग इसी शेप को आगे को मूव कर देते, जैसे आप लोगों ने इसे दो फ्रेड आगे शेप कर दिया, तो ये बी बन सकता है, बट अभी ये बी नहीं बन सकता बिकॉज इसमें कुछ ओपन स्ट्रिंग्स हैं। जब हम लोग इसे पीछे प्ले कर रहे थे तो ये ओपन स्ट्रिंग्स वर्क कर रही थी इसके बेस की तरह, इसके नोट्स की तरह, बट जैसे हम इसे आगे प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये दो नोट्स तो हमारे आगे आगे जिनको हमने फ्रेट करा हुआ था, बट बाकी के जो नोट्स थे जो कि फिफ्थ स्ट्रिंग था, थर्ड स्ट्रिंग था और जो फर्स्ट स्ट्रिंग था, ये तीनों नोट्स आप लोगों के ओपन थे और इनको भी हमें दो फ्रेट आगे लाना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोगों को पता, अगर आप लोगों को मूव करना हो किसी स्ट्रिंग मतलब कॉर्ड को, तो हम लोग इन दो फिंगर से उन नोट्स को बजाते हैं कभी भी, तो हम लोग इन दोनों फिंगर से उन दोनों नोट्स को बजाएंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास एक फ्रीडम है कि आप लोग इन दोनों फिंगर से भी बजा सकते हैं बिकॉज आप लोगों को बस एक ही फिंगर चाहिए बार करने के लिए। तो इन दोनों फिंगर से हम इस कॉर्ड को बजाएंगे और इसको आगे जैसे हमने शिफ्ट करा और इसके पीछे हम एक बार लगा देंगे, ठीक है, फाइव फ्रेट का बार, मतलब फाइव स्ट्रिंग का बार, बिकॉज ऑक्टेव जो हमारा रूट नोट है वो ये है और यही जस्टिफाई करेगा हम कौन सा कॉर्ड प्ले कर रहे हैं। अगर ये नोट बी है तो ये बी कॉर्ड है, बी सेवन कॉर्ड। अगर ये नोट सी है तो ये सी सेवन कॉर्ड, और ये आगे को शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने ए प्ले करा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर फोकस कर वो आ रहा है प्रॉब्लम। तो जैसे ए प्ले करा, फिर अगर हम लोग एक फ्रेट आ गए हैं तो ए सेवन हो जाएगा, ए माइनर सेवन, फिर बी, मतलब ए शार्प सेवन हो गया, फिर बी माइनर सेवन, फिर सी माइनर सेवन, फिर सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, और ऐसे करते करते आप लोग सारे जो कॉर्ड्स हैं वो प्ले कर सकते हैं इसी शेप की हेल्प से। तो ये तो सिर्फ एक शेप है, ऐसे मैं आप लोगों को और शेप्स कराऊंगा जिससे आप लोग सिंपली सारे कॉर्ड्स को प्ले कर सकें, ठीक है। तो ये शेप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, बस आप लोगों को दो फिंगर्स रखने हैं, ऊपर भी आप लोगों को चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये दो फिंगर्स आप लोगों को फोर्थ स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग में रखनी है और पीछे से बार लगा देना है। अब नोट कौन सा होगा, जो रूट नोट होगा वो ये वाला नोट होगा जो कि फिफ्थ स्ट्रिंग में बज रहा है, और यही जस्टिफाई करेगा आप कौन सा कॉर्ड प्ले कर रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट शेप। बात कर लेते हैं सेकंड शेप की, जो है डी माइनर शेप। तो डी माइनर शेप आप लोगों को सबको प्ले करना, तो डी माइनर ऐसे प्ले करते हैं। अब हम लोग अलग अलग टाइप के शेप्स क्यों लर्न करते हैं, जब हम लोगों को एक ही शेप से सारे कॉर्ड मिल जा रहे हैं तो हम लोग अलग अलग शेप्स क्यों लर्न कर रहे हैं। हम लोग इसलिए लर्न करें बिकॉज हमें कभी भी किसी भी टाइप के कॉर्ड्स की जरूरत पड़ सकती है। कभी ऐसा होता है कि सॉन्ग में डी कॉर्ड जो होता है वो बहुत नीचे लगा होता है, और कभी वही कॉर्ड बहुत आगे लगाना होता है, तो हम लोग डी का दूसरा शेप मारते हैं, जैसे कि ये मार दिया। तो इस वाले डी में और इस वाले डी में फर्क है, नोट्स इसमें सेम यूज हुए हैं बट इसमें बेस नोट्स यूज हुए हैं और इसमें हल्के से ट्रबल नोट यूज हुए हैं। तो हम लोगों को जिस टाइम जिस कॉर्ड की जरूरत हो, जिस डायनेमिक की जरूरत हो, जितनी पिच की जरूरत हो, उसके लिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो सेकंड शेप है वो डी माइनर शेप सीख रहे हैं सेवंथ कॉर्ड का। तो इस वाले शेप में हमें क्या करना है, आप लोगों को पता है, सिंपली आप लोगों को बस ऑक्टेव नोट ढूंढना और इसे दो पीछे कर देना है। तो इसमें भी ऑक्टेव नोट देखते हैं कहां पर है। तो इसका ऑक्टेव नोट ढूंढने के लिए हम लोगों को पहले इसका रूट नोट ढूंढना पड़ेगा। तो रूट नोट ये आ रहा है ओपन डी स्ट्रिंग, तो इसको बस हमें देखना है कि इससे हमारा ऑक्टेव कहां पर मिल रहा है। तो रूट नोट से ऑक्टेव ढूंढने का क्या सिंपल तरीका है, आप लोग मेजर माइनर कोई सा भी स्केल प्ले करें और सा तक आ जाए, जैसे कि सा रे गा मा पा धा। अब एक चीज है कि जो बी स्ट्रिंग होती है उसमें हमें एक चीज हर चीज आगे बढ़ानी पड़ती है, एक स्ट्रिंग, तो नी सा। तो ये आया हमारा ऑक्टेव नोट, और हमें इसे दो पीछे कर देना, मतलब
अगर हम लोग कॉर्ड में इस नोट को येलो नोट बना दें तो हमारा डी माइनर सेवन कॉर्ड बन जाएगा। तो डी माइनर कॉर्ड कुछ ऐसा है और ये वाला नोट इस कॉर्ड में आ रहा है, तो बस हमें इस नोट को यहाँ पर ले आना है तो हमारा माइनर बन जाएगा। तो इस वाले नोट को यहाँ पर लाने के लिए हमें क्या करना है, बस इस वाले को छोड़ देना और यहाँ पर बार कर देना है नीचे की दो स्ट्रिंग्स। और अगर अब हम इसे प्ले करते हैं तो ये डी माइनर सेवन बन चुका है बिकॉज इसमें सेवन नोट ऐड हो चुका है। और डी जो माइनर सेवन कॉर्ड्स इनको बजाने के लिए आप लोगों से फोर नोट्स की जरूरत है, तो हम लोग यहाँ पर फोर नोट्स प्ले कर रहे हैं। ये रूट नोट हो गया, ये आप लोगों का थर्ड, ये सेवन्थ और ये फिफ्थ। तो ये हो गया आप लोगों का प्ले करने का तरीका सिंपल सा, ठीक है। तो ये डी माइनर सेवन बहुत ही सिंपल सा आप लोगों को शेप दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों को नीचे दो बार करनी है और ऊपर एक करनी है। अब आप लोग ये शेप्स को मूव भी कर सकते हैं, बट आप लोग इसे सिंपली ऐसे मूव नहीं कर सकते। जैसे हमने दो फ्रेट इस आगे मूव कर दिया तो ये नहीं कि ये आप लोगों का ई माइनर सेवन कॉर्ड बन चुका, नहीं, बिकॉज हमें सिर्फ तीन नोट्स की नहीं, हमें चौथे नोट की जरूरत भी है जो कि इसका रूट नोट होता था डी का। हम लोग डी के लिए प्ले करते थे तो ये रूट नोट होता था, बट जैसे हम लोग ई के लिए करते हैं तो ई के लिए डी तो रूट नहीं हो सकता, हमें इस वाले नोट को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे हल्का सा शेप चेंज करते हैं। हम लोग इन तीन फिंगर से वाला शेप बजाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कभी भी मूव करना तो इन तीन फिंगर से बजाना है। और हम लोग ऊपर एक नोट को इस वाले को पकड़ लेते हैं बिकॉज ये रूट नोट है, और फिर ऐसे प्ले करते हैं। तो अब ये बन चुका है आप लोगों का कौन सा शेप, अगर ये नोट कौन सा है, इस नोट को देखिए, ये नोट ई नोट है, तो ये ई माइनर सेवन बन गया। जैसे ई माइनर सेवन हम लोग उससे ए से भी प्ले करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे प्ले कर रहे हैं। ऐसे हम लोग इसे और आगे शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी, जी शार्प, ऐसे करते करते आप लोग आगे को जा सकते हैं और सारे कॉर्ड्स बजा सकते हैं इस शेप से भी। तो ये सेकंड शेप था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड शेप की, जो कि लास्ट शेप होगा, बट इसके भी दो वर्जन्स हैं, तो आप लोग इन दोनों वर्जन्स को यूज़ कर सकते हैं और इनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वाला शेप वही वाला है जो मैंने आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग बताया था, जो कि कुछ ऐसे बज रहा था। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे है, इसकी थ्योरी कैसे, पहले देख लेते हैं। तो जो ई माइनर कॉर्ड होता है हमारा, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो इसका हमें पहले रूट नोट ढूंढना है जो कि सिक्स स्ट्रिंग होती है, फिर इसका ऑक्टेव। तो ऑक्टेव ढूंढने के लिए हम लोग प्ले करेंगे सा रे ग म प द नी सा। तो इस नोट को बस हमें दो फ्रेट पीछे कर देना है, वन टू, और अगर हम लोग ने ऐसा कर दिया तो काम बन जाएगा हमारा कॉर्ड में। तो कॉर्ड में हमारा ई माइनर ऐसा होता है, तो ये वाला जो नोट है इसे बस हमें दो फ्रेट पीछे कर देना। इसको दो फ्रेट पीछे करने के लिए हमें इसे ओपन करना पड़ेगा, तो हम इसे ओपन कर देंगे और बस एक सिंगल प्रेस से हमारा ई माइनर सेवन कॉर्ड बन जाएगा। तो हमने बस फिफ्थ स्ट्रिंग में सेकंड फ्रेट में फिंगर रखी है और ये हमारा ई माइनर फिफ्थ कॉर्ड है। तो ये तो सिंपल है, बट अगर इसे हमें आगे को मूव करना है तो इसे मूव करने के लिए हम लोगों को पीछे बार करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको इस वाली फिंगर से पकड़ लेते हैं कुछ देर के लिए, और जैसे कि हम लोग यहाँ पर दो फ्रेट पीछे हैं ओपन स्ट्रिंग्स से, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारा जो बार होगा वो भी दो फ्रेट पीछे होगा। तो ऐसे करके कुछ शेप बनेगा और डिसाइड कौन सा करेगा, ये वाला नोट कि कौन सा कॉर्ड बन रहा है, ये वाला नोट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर ये नोट एफ शार्प है तो एफ शार्प हो गया, यहाँ पर ये नोट मतलब सॉरी ये एफ है तो एफ बन गया, ये एफ शार्प है तो ये एफ शार्प माइनर सेवन बन गया, ये जी है तो जी शार्प माइनर सेवन बन गया, फिर ऐसे करते करते ये कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड सिंपल है, बट इसका एक दूसरा वर्जन भी है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा है, बार नहीं हो पा रहा, बिकॉज छः की छः स्ट्रिंग्स को एक साथ बात करना हल्का सा मुश्किल काम होता है। जब हमारे पास कम स्ट्रिंग्स होती है तो हम लोग ऐसा हल्का सा केव बना के जो स्ट्रिंग्स हमें जरूरत नहीं होती उनको हम लोग प्ले नहीं करते हैं, उन पर प्रेशर नहीं मारते, सीधा उन्हीं स्ट्रिंग्स मारते हैं जिन पर जरूरत होती है। बट यहाँ पर हमारे पास पाँचों की पाँचों स्ट्रिंग्स हैं, तो इसके लिए हमें छः की छः स्ट्रिंग्स को बार करना पड़ता है ढंग से, तो इसके लिए हल्का सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इसका एक दूसरा शेप है जो कि आप लोगों को अब ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये शेप कुछ ऐसा है कि हम लोग हमारी जो चारों स्ट्रिंग्स हैं इनको एक एक करके रखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है माइनर सेवन प्ले करने के लिए, कोई से भी सेवन कॉर्ड प्ले करने के लिए आप लोगों को सिर्फ चार नोट्स की जरूरत है। तो हम लोग चार नोट्स कौन कौन से कैसे कैसे प्ले करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को जैसे ए माइनर प्ले करना है तो सबसे पहले हम रूट नोट लेंगे, फिर हम लोग जो सेकंड नोट है जो हमारा आगे जाता था ऐसे करके इसको हम लोग म्यूट कर देंगे। कैसे म्यूट करेंगे, इस वाली फिंगर से कुछ ऐसे याला हम लोग प्ले करेंगे और याला म्यूट कर देंगे, बस इसमें आप लोगों को रेस्ट कर देना, आप लोगों को म्यूट जाएगा। और नीचे की जो तीन स्ट्रिंग्स हैं इसी फ्रेट में सेम फ्रेट में, उसमें आप लोगों को एक 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 फिंगर रखनी है और लास्ट वाला आप लोगों का वापस से म्यूट हो जाएगा। तो दो स्ट्रिंग इसमें म्यूट है, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा इसमें क्रॉस बना है दो स्ट्रिंग्स में, तो ये दो स्ट्रिंग्स म्यूट रहती हैं और बाकी चार स्ट्रिंग्स आप लोगों की प्ले होंगी। तो ये भी सेवन कॉर्ड है, तो ऐसे भी आप लोग इसे प्ले कर सकते हैं। आप लोगों को एक बार ऐसे दिखा देता हूँ, तो ये तीनों जो फिंगर्स हैं आप लोगों की, ये है आप लोगों की फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग में, जैसे कि ए कॉर्ड में होती हैं, ठीक है ना, ए कॉर्ड में जैसे होती है वैसी है। बट हमारा जो ए कॉर्ड में हमारा ये वाला नोट होता है इसको हम यहाँ पर ले आए, तो ये हो गया आप लोगों का ए सेवन्थ माइनर कॉर्ड। इसको भी आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं और इसका जो कॉर्ड का जो नेम होगा वो डिसाइड कौन करेगा, ये वाला नोट जो बेस नोट है। तो अगर ये आप लोगों का बी में लगा है तो ये आप लोगों का बी माइनर सेवन्थ कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो ये थे
माइनर सेवन कॉर्ड्स, होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। और आगे चल के हम इन कॉर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कॉर्ड प्रोग्रेशंस में, तो उन चीज़ों का वेट करें, फोकस की पूरी लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले लेसन में, होप करता हूँ आप लोगों को लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक मार देना, बिकॉज मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमारी जो म्यूजिक थ्योरी वाली वीडियो है इनमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जिन जिनको ये वीडियो चाहिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक मारें, चाहे इसमें 1000 व्यूज़ ही आएँ बट उससे रिलेटेड 500 लाइक्स तो आएँ, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता 100 ही लाइक आएँ, जो कि एवरेज होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मारें, ठीक है, तभी आगे चल के मुझे मोटिवेशन लगा ऐसी वीडियोस और डालने का। अगले लेसन में हम लोग बात करेंगे डोमिनेंट सेवंथ की, उसके अगले लेसन में हम लोग बात करेंगे माइनर सेवंथ फ्लैट फाइव नोट कॉर्ड की, और उसके अगले लेसन में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे हम लोग जो सेवंथ कॉर्ड होते हैं उनके प्रोग्रेशंस में यूज़ करते हैं। तो होप करता हूँ आप लोगों को लेसन पसंद आया, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक मार देना, सब्सक्राइब मारने के लिए आप इस सर्कल में क्लिक मार सकते हैं। आप लोगों से मिलता हूं अगले लेसन में, टिल द बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय।